ओलंपियन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और पहलवान साक्षी मलिक पर कांग्रेस की नजर है। खुद सांसद दीपेंद्र हुड्डा लंबे समय से दोनों ही खिलाड़ियों के संपर्क में हैं। बजरंग पुनिया इज्जत से ताल्लुका रखने वाली हैं, तो वहीं विनेश फोगाट बाड़ा हल्के से रहने वाली है। हालांकि अभी तक दोनों खिलाड़ियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो वहीं पिछले चुनाव में भाजपा के टिकट पर 3 ओलंपियन खिलाड़ी ने किस्मत आजमाई। ये एक बार फिर से टिकट के लिए दाव ठोक रहे हैं। ओलंपियन योगेश्वर दत्त 2019 में बड़ौदा से भाजपा का टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव में उन्होंने भाजपा से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से ओलंपियन खिलाड़ी बबीता फोगाट ने चरखी दादरी से भाजपा के टिकट पर विधानसभा 2019 का चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर सांगवान ने उन्हें हरा दिया। हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह भाजपा के टिकट पर पिहोवा से विधायक चुने गए। उसके बाद मनोहर लाल सरकार में मंत्री बने। ये तीनों ही खिलाड़ी फिर से अपने अपने हलकों में सक्रिय हैं और टिकट के लिए मजबूती से दाव ठोक रहे हैं। पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने कांग्रेस से पिहोवा विधानसभा सीट से टिकट मांगा। वहीं संदीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकना चाह रही है। बॉक्सिंग से राजनीति की दुनिया के कदम रखने वाले विजेंद्र सिंह अब भाजपा के हो चुके हैं। 2019 में उन्होंने साउथ दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने 2019 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। विजेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते हैं, जिसका हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में राजनीतिक प्रभाव रहता है। वहीं अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। क्रिकेटर से नेता बने चेतन शर्मा ने 2009 में लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। ब्राह्मण समुदाय बसपा का कार्डर वोट है और साथ में क्रिकेटर होने के चलते बसपा ने चेतन शर्मा को मैदान में उतारा। कुल पड़े 6,24,937 वैध मतों में से चेतन शर्मा 1,13,453 वोट लेने में सफल रहे। इस चुनाव में कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना जीते, जिन्हें 2,57,864 वोट मिले और भाजपा के रामचंद्र बैंदा दूसरे नंबर पर थे, 1,90,000 वोट मिले। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।